वेलकम टू माय चैनल बदमाश बच्चा ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें और मेरे साथ इंटरेस्टिंग कुकिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहे। तो आज मैं मेरे किचन में बनाने जा रहा हूँ एगलेस केक। और आज मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में ही ट्राई करूँ केक बनाना। तो आज मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, देखते हैं कि हमारा केक बनाना सक्सेसफुल होता है कि फ्लॉप होता है शो। वेलकम टू माई किचन। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ प्रेशर कुकर में एगलेस केक। तो उसके लिए मैंने सामग्री सारी जमा कर ली है। तो अब मैं सब तैयारी करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये वेनिला लगेगा एसेंस, ये बेकिंग पाउडर है 1.5 चम्मच, ये बेकिंग सोडा है 0.5 चम्मच, ये नमक चुटकी अनुसार, स्वाद अनुसार, चुटकी थोड़ा सा चुटकी भर, ये 0.5 कप दही लगेगा, ये 1 कप दूध लगेगा, ये 1 कप कुकिंग ऑयल लगेगा, ये खसा हुआ सूखा नारियल है 2 चमचे लगेंगे, ये दूध का पाउडर है 2 चमचे लगेंगे, ये 1.5 कप हमें मैदा लगेगा, कोई भी नॉर्मल मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये टूटी फ्रूटी आते बाज़ार में मिल जाते हैं, ये हमें 50 ग्राम ले लिया है लगभग, और ये 1 कप शक्कर लगेगा हमें, और प्रेशर कुकर लगेगा बेकिंग के लिए। तो इसका रबर और इसकी सीटी निकाल लेंगे, तो इसमें रबर और सीटी नहीं चाहिए, और ये एक हैवी तवा लगेगा। तो अब तैयारी शुरू करते हैं। तो हम प्रोफेशनल बेकर्स तो है नहीं, तो एक नॉर्मल सा पतीला ले लेंगे और एक चम्मच ले लेंगे, बीटर तो है नहीं हमारे पास। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 0.5 कप दही ऐड करेंगे, 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पाउडर शुगर और दही को हम बीट कर रहे हैं और इसको अच्छे से 5 मिनट तक बीट करना है, इसमें लम्स गुठलियाँ शक्कर के ना रहे पाउडर के। शक्कर और दही को हमने बीट कर लिया है, तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शक्कर और दही के मिश्रण में हमने वेनिला एसेंस को मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, ऐड करेंगे 1 कप। तो हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करते हुए इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से 5 मिनट। तो ये हमने दही, शक्कर पाउडर वाला, वेनिला एसेंस और तेल अच्छे से मिला लिया है सबको। अब इसको साइड में रखते हैं और सूखे आटों को चाल लेते हैं। इसमें हम 1.5 कप मैदा डाल देंगे, नॉर्मल फ्लावर है जो मैदा, चुटकी भर नमक डाल देंगे, खाने का सोडा 0.5 टेबलस्पून डाल देंगे। एंड खाने का सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है तो आप लोग उसको एक ना समझे। 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दूध का पाउडर डालेंगे इसमें, मिल्क पाउडर, और इस मिश्रण को अच्छे से चाल लेंगे। तो चालने का फायदा ये होता है कि ये जो लम्स है, गाट या कचरा या कुछ भी जो भी होता है वो निकल जाता है सारा। तो चाल लिया है हमने अब। तो अब ये हमारा मिक्सचर ले लेंगे, दही, तेल, वेनिला एसेंस और शक्कर का, इसको फेंटेंगे। देखो कितना मस्त सॉफ्ट स्मूथ हो गया है रिबिन कंसिस्टेंसी का। तो अब हम इसमें सूखे आटे को, जिसको हमने छान रखा है, उसको ऐड करेंगे। तो सूखे आटों को ऐड करेंगे इसमें। और ये जो सूखा खोबरे का हमने बुरादा ले लिया, इसको भी ऐड कर देंगे और इसको मिलाएंगे। और ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें दूध ऐड करना है। तो पहले इसको मिला लेते हैं, फिर इसमें दूध ऐड करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दूध मिलाना है और इसको मिक्स करते रहना है। हमारे केक के बैटर को दूध ऐड करते रहना है जब तक कि ये रिबिन पोरिंग कंसिस्टेंसी का ना बन जाए।
तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो आगे का प्रोसेस अब हम करते हैं। ऐसा डब्बा ले ले गोल राउंड शेप का, घर में अवेलेबल हो तो कुकर का, प्रेशर कुकर का, और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के। चारों तरफ से इसको ऑयल कर लेंगे। तो जिसमें हम अपना एगलेस केक बेक करेंगे उसको हमने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है, और हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें मैदा छिड़क देंगे। ऐसे ऑयल लगाकर मैदा छिड़क देंगे और इसको फैला लेंगे अच्छे से। और एक्सेस मैदा जो भी बचेगा उसको निकाल लेंगे, झाड़ लेंगे। तो अब हमने जो बैटर बनाया उसको बेकिंग वाले डब्बे में पोर कर देंगे। तो बैटर को हमने पोर कर दिया, जिस टिन में हमने बेक करना है उसको हमने ग्रीस कर लिया, और इसको ऐसे टैप करेंगे डब्बे को ताकि इसमें बैटर सेटल हो जाए, और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम गैस जला लेंगे। तो गैस हमने जला लिया है और मीडियम फ्लेम करेंगे। ये केक को मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम पे ही बेक करना है, और ऐसा हैवी बेस का तवा रख देंगे और इसको 5 मिनट अच्छे से गर्म होने देंगे। तो बैटर सेटल हो चुका है 5 मिनट, अब हम इसको ऊपर से ये टूटी फ्रूटी डाल देंगे सारा। तो 5 मिनट हो चुके, तवा हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इस पर प्रेशर कुकर रखेंगे और इसमें ऐसे वाली जाली रख देंगे। तो ऐसे वाली जाली रख देंगे और हमारा केक का बैटर को इसमें डाल देंगे। ये प्रेशर कुकर का लीड है, ध्यान रखें कि इसमें प्रेशर कुकर का रबर ना हो ना सीटी हो। तो हम इसको इस पर लगा देंगे अच्छे से। तो ये लीड हमने लगा दिया है और इसको अब 45 से 50 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। 40-50 मिनट बेक करने के बाद, अभी गैस बंद कर दिया था 5 मिनट पहले, तो ये हमारा केक बेक हो चुका है। एगलेस केक है वेनिला, और आज स्पेशल ओकेशन है तो मैंने सोचा घर में ही क्यों ना बनाऊँ मैं केक। तो अभी इसको मैं 1 घंटा ठंडा होने देता हूँ, फिर इसको डिश आउट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो मेरा एगलेस वेनिला केक रेस्ट कर रहा है, इसको अभी टाइम है काफ़ी ठंडा होने को। तो ये ठंडा होगा तब इसको मैं निकालूंगा और डिश आउट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने एगलेस वेनिला केक जो मैंने आज प्रेशर कुकर में घर में बनाया मेरे बर्थडे के ओकेशन पे, मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा बेक हो गया है पर चलता है फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में। तो आओ मेरे साथ एंजॉय करो वेनिला एगलेस केक।